अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भरने वाले हैं, थोड़ी देर बाद, लेकिन कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हल्ला बोला है। रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। राहुल गांधी भागकर रायबरेली पहुंचे। राहुल अमेठी से डरे हैं, रायबरेली से रास्ता ढूंढ रहे हैं। राहुल से कहता हूं, डरो मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर जो उनकी रायबरेली से उम्मीदवारी सामने आई। हमारे साथ सीधे अमेठी से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा, उनके पास चलते हैं। प्रतिमा ने कुछ दिन पहले बातचीत भी की है जो कि अमेठी से इस वक्त आप देख सकते हैं प्रतिमा को, कई लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रतिमा, प्रधानमंत्री मोदी को आपने भी सुना होगा, बड़ा हमला बोला है कि राहुल गांधी डर कर भाग गए हैं रायबरेली, लेकिन जनता इस बीच क्या सोच रही है? 5वें चरण में मतदान होना है अमेठी में। बिना वक्त गवाए अमेठी की जनता की राय ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मैं तस्वीरों में दिखा दूं, KL शर्मा बस अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस जहाँ पर उन्हें नॉमिनेशन दायर करना है। प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ देर पहले रैली कर रहे थे, उनकी तरफ से राहुल गांधी पर हमला बोला गया, सोनिया गांधी पर हमला बोला गया, ये कहा गया कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, रायबरेली आ रहे हैं। राहुल गांधी ने हनुमान के रूप में KL शर्मा जी को भेजा है और KL शर्मा जी अकेले मोदी की लंका फूकेंगे। KL शर्मा जिंदाबाद। यहाँ पर साफ तौर पर ये माना जा रहा था कोई गांधी मैदान में आएगा तभी कुछ बन पाएगा, आपको लगता है गांधी की गैर मौजूदगी का कोई नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। राहुल जी किसी आम इंसान को भी भेजते तो अमेठी की जनता उनको जिता के भेजे, ये राहुल जी का क्रेज है। होने वाला इस बार चाला चाला
जिंदाबाद। मेरी बात सुनिए, नोट कर लीजिए। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। मेरी बात नोट कर लीजिए। आपने दिल्ली की ठंडी सुना होगा, अमेठी की गर्मी है। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद। हम अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता। स्मृति ईरानी यहाँ से कह रहे हैं कि आप खाता नहीं खोलेगा वापस। अरे वो अपना बचाएं, वो अपना बचाएं। अमेठी वाले जान गए, पाँच साल में क्या किया उन्होंने, पाँच साल में क्या किया स्मृति ईरानी, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। पाँच साल ट्रिपल आईटी हमारे यहाँ ही थी, वाटर पार्क आया था। मैं खुद वाइप कंपनी में बीएचएल में काम करता था। जिस दिन राहुल गांधी चुनाव हारे थे, जीएसटी लगी थी, 3000 अमेठी के बंदों को वाइप कंपनी से निकाला गया था, जिसमें मैं भी निकाला गया था। वाटर पार्क कहाँ गया, ट्रिपल आईटी कहाँ गई, पेपर मिल कहाँ गई? और एक मिनट की विदाई तय है, उसके बाद ईरानी की अमेठी से विदाई तय है। ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो केएल शर्मा के नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस का रुख कर रहे हैं, ये तमाम बातें कह रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भले ही यहाँ अमेठी नहीं आए, लेकिन हनुमान के रूप में अपने दूत को यहाँ भेजा है, यहाँ पर वापस जीत हासिल करने के लिए। हालांकि स्मृति ईरानी की तरफ से जो तमाम बातें कही गई, बीजेपी की तरफ से तमाम बातें कही गई, वहाँ पर तमाम लोगों का कहना है कि ये कोई भी मुद्दे नहीं है। स्मृति दीदी की सभा में जाइए, 50 लोग आ रहे हैं बस, ओनली फॉर 50, यहाँ 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। हनुमान आए लड़ने, ये हनुमान है, हनुमान जी स्मृति की लंका में आग लगा दी है। हरे का जनता से यहाँ पर प्रतिमा जनता के बीच है, बातचीत कर रही है, और देखिए उत्साह इतना है जनता में जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि इतने दिनों बाद उम्मीदवारी घोषित की है।